देख लिया तो मुझे ये बताओ कि कल से तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो। नहीं उठाऊंगी। क्यों तुम मेरी बात नहीं मानते? शादी क्यों नहीं करते मुझसे? तुम आखिर यहाँ आके क्यों नहीं रह सकते मुराद? देखो मेरी जान, मेरा मुस्तकबिल सीरिया में है, मेरा काम वाम सब कुछ वहीं पे। पता नहीं तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है। मैं भी इस जगह को नहीं छोड़ सकती, अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, हर साल आके मिल लेना उनसे। तो ठीक है फिर, चले जाओ यहाँ से। अब तुम कभी मुझे फोन नहीं करोगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ मेरी जान। ये क्या है मुराद? देखो मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपनी आंखों से दूर नहीं दूंगा। चलो टेक्निकल को स्टार्ट करके लाओ। तुम मुझसे कभी ये उम्मीद मत रखना कि मैं अपना गांव छोड़ दूंगी। ये बात याद रखना मुराद। बाबा जान, फर्टिलाइजर का ऑर्डर आ गया है। क्या हुआ शरीफी खाला? तुमने कहा था ना कि तुमने गांव जाना है बेटा, तुम्हारे उमर अंकल जा रहे हैं, चाहो तो उनके साथ चली जाओ। ठीक है, मैंने तो वैसे भी आसिया को लेने जाना था। ठीक है फिर जल्दी जाओ। गुलजान मैं जरा घर जा रही हूँ, जब वापस जाओ तो मेरा ये सामान घर पहुँचा देना। ठीक है। आसिया, हुरिया कहाँ थी तुम इस वक्त तक? हाँ जानती हो मैं बहुत डर गई थी। चलो हुरिया मैं तुम्हें अपना दुल्हा दिखाती हूँ। मैं तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ आसिया। ये क्या कह रही हो?
यहाँ से दूर जा रहे हैं आसिया। लेकिन हुरिया कहाँ जा रहे हो तुम लोग, जहाँ हम बहुत खुश रह सके आसिया। खुदा हाफिज। हुरिया, हुरिया रुको। हम दोनों की किस्मत एक ही स्याही से लिखी गई है आसिया। जो किस्मत मेरी है वही किस्मत तुम्हारी है। नहीं! आसिया क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? आसिया क्या हुआ, कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? मेरा फोन कहां पर है? अम्मी जल्दी करें, हमें आसिया को लेने जाना है। तुम जल्दी से सारे कपड़े इकट्ठे कर लो, फिर चलते हैं। एक दफा फोन करके पूछ लो आसिया निकली कि नहीं। आपने काम भी खत्म नहीं किया, मुझे लगा हम लोग फौरन निकल जाएंगे। तुम काम खत्म करो फिर चलते हैं। यार ये नेकलेस कहाँ गुम हो गया मुझसे? हुरिया आसिया को फोन करो जल्दी। जी करती हूँ अम्मी, उसने खुद ही फोन कर दिया अम्मी। हेलो हुरिया, दुल्हन साहिबा निकली या नहीं? हुरिया मैं थोड़ी देर सो गई थी। तुम बहुत स्लो दुल्हन हो। खैर मैं फोन बंद करती हूँ, तुम जल्दी निकलो। हुरिया रुको रुको, बंद मत करना। क्या हुआ? एक बहुत अजीब ख्वाब देखा है मैंने और उसमें तुम भी थी। ये सब छोड़ो, तुम जानती हो मुझे अभी तक दूल्हे की फोटो नहीं मिली। छोड़ो ना आसिया, आज या कल में वो खुद आने वाला है ना, तो फिर देख लेना तुम अपने दूल्हे को। नहीं प्लीज, तुम एक दफा फिर पता करो ना। अच्छा ठीक है, मैं फोन बंद करती हूँ, तुम भी जल्दी से निकलो आसिया। हुरिया हुरिया रुको, बंद मत करना। मुराद, हुरिया क्या कहा आसिया ने, कपड़े इकट्ठे कर लिए? नहीं अम्मी अभी नहीं निकली वो। ठीक है तुम जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। ठीक है अम्मी कर रही हूँ। नहीं! ये जानती है कि इसका दूल्हा कौन है? जानती कहाँ है, इसने तो अभी उसे देखा भी नहीं। हाँ आसिया, बाहर कोई आया है और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है मेरा, कौन आया हुआ है? लगता है दूल्हा भाई खुद ही तुम्हें लेने के लिए आ गए आसिया। आसिया रुको जरा। देखो लड़कियों, दूल्हा देखने के चक्कर में जूता भी यहीं छोड़ गई। चलो। या अल्लाह मेरा इंतजार खत्म हो गया हो। ये तो खुद अभी बच्चा है। अच्छा है ना, तुम खुद इसे पालकर बड़ा कर लेना।
क्या आप ही आसिया हैं? हाँ मैं ही हूँ। ये बशीर साहब ने भेजा है, इसमें आपके लिए एक तस्वीर है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये आपके लिए नहीं, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। प्यारा है। वाह कितना खूबसूरत और अच्छा लड़का ढूंढा है ना तुम्हारे लिए आसिया। आसिया कितना प्यारा है ये तो, कितनी खुशकिस्मत है तुम आसिया, बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी, बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। मुझ पे तो जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं, और ये सब कुछ क्या है मुराद? मैं तुम्हारा पीछा सिर्फ आज ही नहीं करूंगा, कल भी परसों भी, जब तक मेरी सांस है तब तक करता रहूंगा मैं। क्या मतलब है? हुरिया, मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे। तुम तो अपने शहर वापस जाना चाहते हो मुराद, मगर मैं तो यही रहना चाहती हूँ, तो फिर ये सब कैसे होगा? हुरिया, मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, जहाँ तुम होगी मैं वहीं रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता मैं। तुम सच कह रहे हो मुराद, यहीं रहोगे तुम? देखो ये खूबसूरत फूल, ये दुल्हन का जोड़ा, और ये गार्डन, और अल्लाह गवाह है इस बात का, जहाँ तुम रहोगी मैं भी वहीं रहूंगा। तुम मुझसे शादी करोगी ना? अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी हूंगा। मुझे अकेला मत छोड़ना, तुम करोगी ना शादी मुझसे? तो मैं हाँ समझूं? हाँ बिल्कुल। सुनाई नहीं दिया मुझे? हाँ है, एक बार नहीं बल्कि 100 बार हाँ है। रुको फिर, अभी चलते हैं। लेकिन कहाँ? जल्दी करो, आओ आओ चले। अच्छा अच्छा रुको, तो आती हूँ। अरे आओ ना जल्दी करो। अम्मी मुझे मार डालेंगी। मुराद मुराद। हुरिया हुरिया। ओहो फिर ये लड़की गायब हो गई। एक काम कहा जाते वो भी ढंग से नहीं करती ये लड़की। बस कुछ ही देर रह गई है फिर आसिया भी यहाँ आ जाएगी। इस लड़की का हाल देखो, काम तक खत्म नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम मरियम बाजी। वालेकुम अस्सलाम मुस्लिम भाई। इधर आइए, मुझे एक जरूरी बात करनी है। मरियम बाजी, आपके जो शौहर हैं वो जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। खैर तो है ना, अब क्या कर दिया उसने? तुम मेरी बहन हो इसलिए तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। वो मुर्गों की लड़ाई में जुआ खेलता है, मैंने उसे कई बार रोका है मगर वो मेरी सुनता ही नहीं। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वो जुए में ये घर ही ना हार जाए। ओ मेरे खुदाया, ये काम भी करने लगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस पर नजर रखें। ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम जाना है। रुकिए जरा, मेरी भांजी ने आना है, क्या आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे? ठीक है आ जाओ। ठीक है आ रही हूँ। अम्मी मुझे पूरे घर में ढूंढ रही होंगी मुराद। तुम सच में पागल हो और मुझे भी कर दिया है। पागलपन नहीं है ये, प्यार है। च-
एक्चुअली आज हम माता कुरान को खत्म करने जा रहे हैं, सुना तुमने? आगा आप जानते हैं कि आखिरी बार उसने जुए पर क्या लगाया था? अपनी बीवी को। हो सकता है इस बार वो अपनी बेटी को रखते। तो फिर मुर्गे तो उसे ले डूबेंगे आगा। काट डालूंगा मैं उसके मुर्गे को, चलो। तुम जरा अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो उरिया। लेकिन किस लिए? अरे सरप्राइज है ना यार, तुम बांधो नहीं तो मैं खुद बांध देता हूँ तुम्हें। ठीक है मुराद, तुम आगे देखो, मैं बांधती हूँ। हम पहुँचने वाले हैं, चलो जल्दी से बांध लो, चलो जल्दी करो ना। देख तो रहे हो मुराद के, बांध रही हूँ मैं। अब मजा आएगा। एफे मेरा शेर बेटा, एफे बेटे कहाँ चला गया चिल्ली, हाँ कहाँ चला गया? आज तो यही जीतेगा। इस बार तुमने अपने दुश्मन को नहीं छोड़ना बेटा। शेर है शेर। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर फखर है। चुप करो, आगा आ गया। यामली आगा आ गए। चुप करो, यामली आ गया। मजा आ जाएगा, आज तो बड़े मजे की लड़ाई। यामली भाई खुश आमदीद, तशरीफ रखें। इस बार पैसे नहीं और हान, तुम्हारी बेटी हुरिया, क्या कहते हो? इस बार अगर तुम हारोगे तो तुम्हारी बेटी हुरिया मेरी अपनी बीवी बनेगी। आइए शहजादी साहिबा, आइए, बस थोड़ा सा रह गया। चलो 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 भी अब। मुराद खुदा के लिए कुछ तो बताओ कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे थोड़ा सब्र तो करो, जरा मेरी बात सुनो, कहीं तो मुझे मारना तो नहीं चाहते जो इस जगह पे लेके आए हो? अरे नहीं मेरी जान। उफ, मैं आंखें खोल रही हूँ। रुको थोड़ा सब्र करो, अभी बस पहुँच गए हैं, देखना कहीं मैं गिर ना जाऊं। वो रहा, हमारा महल आ गया। ये देखो हमारा खूबसूरत महल। हमारा महल? हाँ जरा देखो तो सही, ये जन्नत की तरह नहीं लग रहा भला? हुरिया तुमने मुझसे वादा किया था, मैं भी वादा करता हूँ कि इसे महल बना दूंगा। मगर मुराद आखिर तुम ये सब करोगे कैसे? चल अंदर, यहाँ पे हमारी किस्मत बदल जाएगी। 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000 ये देखो जरा। तुम मेरी अम्मी से बात करो ना मुराद, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इस जगह को भी ठीक कर लेंगे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरी बात सुनो हुरिया, तुम खूबसूरत चीजों के लायक हो, इसलिए मैं पहले इसे खूबसूरत बनाऊंगा, फिर हम दोनों हंसी खुशी यहां रहेंगे। शहजादियों की तरह रहेगी तुम्हारी बेटी, जो कहेगी जैसा कहेगी मिलेगा उसे, ठीक है? समझ आ गई? तो आओ फिर शुरू करते हैं, चलो। तैयार हो जा बेटा, मार दे दुश्मन को। शेरों की लड़ाई है, शेरों की। आओ चलो चलो, ये देखो ये होगा हमारा किचन, हम इस पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का मार्बल लगाएंगे, फिर हम यहाँ बैठ के तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे। और वहां पे होगा हम दोनों का बेडरूम, इससे बाहर हमारा गार्डन होगा जिसमें खूबसूरत पौधे होंगे, बेडरूम के बाहर बैल्कनी होगी जिसमें हम अच्छे मौसम में बैठ के नाश्ता किया करेंगे, तुम्हारे हाथ का है ना, गर्मा गर्म।
शाबाश ऐसे, मारो इसे, मारो इसे। देखो जरा, छोड़ना मत बेटे। देखो क्या हाल कर रहा है इसका। छोड़ना नहीं इसे, मार डालो इसे। जीत हमारी होगी। मारो। वाह वाह, चलो चलो, शाबाश। शाबाश, शाबाश ऐसे, इसे मार डालो, छोड़ना मत। मारो, अच्छे। मारो इसको। हमला करो इसे, छोड़ो मत, मार दो, पकड़ लो इसे, छोड़ना मत। गर्दन तोड़ दो इसकी। मारो, मारो इसे। हम जीत के रहे, हम जीत रहे हैं आगा। तुम जीतोगे, तुम ही जीतोगे। ओहान, अपनी आंखें खोलो, देखो तुम मुझे अपनी बेटी दोगे। जरा अपनी आंखें खोल के देखो तो सही मेरी तरफ, मुझसे अच्छा दामाद भला मिलेगा उनको? और तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिल सकता है जो कि तुमको मुझसे भी ज्यादा प्यार कर सके? बहुत डर लग रहा है, अगर ऐसा ना हो सका। किसमें हिम्मत है जो हमारे रास्ते में आ सके हुरिया? और हान, बाता का और हान, तुम एक बार फिर हार गए। मेरा सिर्फ एक ही ख्वाब है मुराद, तुम्हारे साथ जीना और मरना। ऐसा ही होगा मेरी जान, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम एक बार फिर हार गए। यामली आगा, वादे के मुताबिक तुम्हें लड़की मिल जाएगी। ये लो, लेते जाओ पैसे, इनसे हमारी शादी की तैयारी कर लेना। आगा, वो अपनी बेटी हार गया। हमसे भला कैसे भागता। हाँ, तुम जल्दी जाओ और जाकर हमारे लिए टिकटें बुक कराओ, क्योंकि हम इस्तांबुल घूमने जाएंगे। मगर उससे पहले हम जरा जश्न मनाएंगे। आ जाओ, आ जाओ। मेरा सिर्फ एक ही ख्वाब है मुराद, तुम्हारे साथ जीना और मरना। ऐसा ही होगा मेरी जान, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इतना लेट हो गई हूँ, जल्दी चलो। मैं अपनी बीवी को अभी छोड़ आता हूँ। जल्दी करो मुराद, जल्दी करो। तुम फिर यहीं रुक गए? जल्दी चलो मुराद, मुझे देर हो रही है। चलो भी। आगे गाड़ियां क्यों रोक रहे हैं भाई? आगे चेकिंग चल रही है बाजी। क्या हुआ, ये क्या है, क्या मुसीबत आ गई है ये? क्या था अगर ड्राइवर गाड़ी निकाल लेता? सब मुसाफिर जल्दी से अपने अपने आईडी कार्ड लेकर नीचे आ जाइए, जल्दी करो, जल्दी। सब लोग आ जाओ, सब लोग, चलो जल्दी करो, जल्दी आओ, जल्दी। तुम एक साइड पे हट जाओ। रुको, खबरदार को कोई आगे बढ़ा तो मार दूंगा लड़की को। आगे मत बढ़ना, आगे आया तो लड़की जान से जाएगी। कोई भी मेरे पास ना आए वरना ये लड़की जान से जाएगी। हिलना नहीं वरना मैं गोली चला दूंगा। Oh, my God.
तुम क्या करना चाहती हो? एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, उसके बदले तुमने मुझे मारा, ऐसा ही है ना? लेकिन उस आदमी की जगह मैं भी मर सकती थी, इतने दूर से तुमने गोली चला दी, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? हाँ फिकर मत करो, मेरा निशाना अच्छा है। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी और तुमने मुझे सॉरी तक नहीं कहा। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, नहीं तो वहां तुम्हारी लाश पड़ी होती। मैंने अपनी जिंदगी में इतना फजूल आदमी कभी नहीं देखा। मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़कियों के मुंह लगने का, सुना तुमने? बस अभी तक आई क्यों नहीं? बस थोड़ी देर में आने ही वाली होगी, रास्ते में चेक पोस्ट है ना, शायद इसीलिए बस लेट हो गई। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, बच्ची इतनी दूर से आ रही है ना, इसलिए मैं जरा डर गई थी। अरे भाईजान, मुझे दो टिकट चाहिए। खैर तो है, बड़ी जल्दी है तुम्हें टिकटें लेने की। अरे भाई आप नहीं जानते क्या, आगा दुल्हा बन रहे हैं और मुझे उन्होंने भेजा है कि जल्दी से इस्तांबुल के लिए दो टिकट्स लेकर आओ। हनीमून के लिए जा रहे हैं तुम्हारे आगा? ये तो नहीं जानता मैं, बस मुझे टिकट्स बुक करने का कहा। ऐसा कौन पागल है जो उसे बेटी दे रहा है? उनकी बेटी माजूर है जो आगा को दे रहे हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़की बहुत खूबसूरत है और जवान भी है, भला हम कोई मजदूर क्यों लेंगे आगा के लिए। लेकिन दे कौन रहा है उसे बेटी? बटक और हान, पागल है वो यार, आज सुबह मुर्गों की लड़ाई में अपनी बेटी को हार गया और आगा उसी की तो लड़की ले रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही है ऐसी घटिया बात करते हुए? कौन ले रहे हैं और हान की बेटी, बताओ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने जुए में अपनी बेटी को हारा है। आप मुझे क्यों मार रही हैं? मैंने क्या किया है? तुम्हारा ऐसा लफ्ज़ मुंह से निकाला, मेरी बेटी है वो, जानते हो? हाँ खबरदार अगर उसका नाम भी लिया। मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा शोहर ही उसे जुए में हार कर आया है, अगर कुछ कहना ही है तो जाकर अपने शोहर से कहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? खाला जान हो जाओ यहाँ से। खाला जान जा रहा हूँ। आसिया खुश आमदीद। खाला सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, मैं तुम्हें गाड़ी में बिठा देती हूँ, तुम घर पहुँच जाओ। मुझे लगता है कोई बात जरूर है, आप उस आदमी को मार रही थी, कौन था वो आदमी खाला? बेटे तुम अभी घर जाओ, ये घर की चाबियाँ रखो, मैं बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी, ठीक है? खाला आप ये मुझे क्यों दे रही, आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताएं मुझे। सवाल मत पूछो आसिया, चलो बेटा जल्दी, पता नहीं हुरिया कहाँ होगी। पहले आप मुझे बताएं क्या हुआ है। मैं घर आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, जल्दी करो। मैं घर में अकेली रहूंगी, हुरिया भी आ जाएगी। ठीक है, आपकी शिकायत लिख ली गई है, अब आप जा सकती हैं। आप लोग जरा जल्दी करें, वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, खुदा के लिए कुछ करें मगर हमें उससे बचाएं। आप कुछ करेंगे ना? जी जरूर, अब आप जाएं। ऑफिसर आइए। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? या बेटी रुको, बात सुनो। अरे ये कहां से आ गया? अल्लाह अल्लाह।
कहां थी तुम? कहां से आ रही हो तुम? बताओ मुझे, बोलो ना, या फिर जुबान नहीं है, बात करना भूल गई हो? क्या हो रहा है यहां पे? ये आदमी तुम्हें तंग कर रहा है क्या? ऑफिसर साहब, क्या कह रहे हैं? ये मेरी बेटी है, इसका बाबा हूं मैं। अच्छा, तुम्हारी बेटी है? जी हाँ। माफ कीजिए, गलतफहमी हो गई, मैं मुराद हूं, ऑफिसर मुराद। नई पोस्टिंग हुई है ना यहां पे। तुम उस मनहूस लड़की को मुझ पर अहमियत दोगे? वो आम सी लड़की अब तुम्हें मुझसे ज्यादा अजीज हो गई है मूसा। माफ कीजिए, गलतफहमी हो गई, मैं मुराद हूँ, ऑफिसर मुराद। नई पोस्टिंग हुई है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे लगा शायद आप इस लड़की को तंग कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, असल में आप अभी तक जवान लगते हैं ना, इसलिए समझ ही नहीं पाया, गलतफहमी हो गई, माफ कीजिएगा मुझे। ऐसी कोई बात नहीं ऑफिसर, बहुत शुक्रिया आपका। इसकी माँ भी जब मेरे साथ चलती है तो वो भी मेरी माँ ही लगती है। और मैं अपना तारुफ करवाता चलूं, मैं अरहान, वैसे लोग मुझे पटक के नाम से भी जानते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी हुई। चलिए खैर, सलामत रहिए आप। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हुरिया बेटी, चलो घर चलते हैं। हुरिया, देखो अभी ऑफिसर क्या कह रहा था। अभी घर जाके अपनी माँ को इसके बारे में जरूर बताना। ये क्या मुसीबत है यार, इसके बाप को भी अभी आना था। अरे यार जी, बोलिए भाई। सुनो लड़के, तुम जहां कहीं भी हो मेरे पास आओ। जी मैं अभी आ रहा हूं, बस कमाल हो गए। यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में आगा को मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर उस लड़की ने खुद बयान दिया तो हम किसी को नहीं बचा सकेंगे। आप फिक्र ना करें ऑफिसर, इस सारे मामले को हम खुद संभाल लेंगे। जी ठीक है। हेलो आगा, मैं चंगेज। वो बटक और हान की बीवी है ना, उसने ऑफिसर को आपके बारे में शिकायत की है। आप फिक्र ना करें, मैंने सब संभाल लिया, मैं आ रहा हूं। ठीक है, बहुत गर्मी है। अरे आसिया, तुम खुशामदीद। आसिया मेरी जान, मैं तो शुक्रिया नहीं कहूंगी। खैर कहाँ थे आप लोग इतनी देर से, मैं अकेली थी। कैसी हो आसिया बेटी, खुश आमदेद। अपने मामू का हाथ तो चूमो जरा। शाबाश, सदा खुश रहो और जीती रहो। मरियम, भूख लगी है मुझे, कहाँ मर गई हो? खाला चांद तो घर पर नहीं है। अम्मी कहाँ है? वो तुम्हें लेने के लिए नहीं गई थी? आई थी, मगर उन्हें कोई जरूरी काम था इसलिए रुक गई। वो बस थोड़ी देर में आ जाएंगी। हाँ मेरी ही गलती है सब, बेटी को कहीं और से लेके आ रहा हूँ और माँ है कि उसका कुछ पता ही नहीं है। इन दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखा है। वो देखे खाला जान आ गई। वाह वाह वाह, आओ मरियम बेगम, आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया कि तुम्हारा अपना भी कोई घर है। दुनिया जहान के सारे कामों का तुम अकेली नहीं ठेका ले रखा क्या? अपने गिरेबान में झांको, फिर कहना मुझे, क्यों हिसाब दूं मैं तुम्हें? बकवास करती है आगे से। होरिया, आसिया को लेकर अंदर चली जाओ। मगर खाला जान, कहा ना अंदर जाओ। तुम किस कदर घटिया इंसान हो, बाप के हलवाने के लायक नहीं हो तुम। कैसे इस तरह हमें दाव पर लगा सकते हो? हाँ वो घटिया यामली का चेला गांव में कहता फिर रहा है कि उस यामली की शादी मेरी बेटी से हो रही है। और हान, चुप करो, वो मेरी बेटी है, मेरा जो दिल चाहेगा करूंगा, तुम कौन होती हो बोलने वाली?
बुरा क्या है इसमें? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, समझे? क्या उसी? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तुम होती कौन मेरे आगे बोलने वाली? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी बात समझे, मैंने वादा किया किसी से, मैं प्यार करता हूँ उससे, मैंने आपसे जो भी वादा किया वो पूरा किया है, तो मैं ये वादा कैसे तोड़ सकता हूँ भला? मैं अपनी मोहब्बत के होते हुए किसी और से शादी का कैसे सोच सकता हूँ? तुम उस मनहूस लड़की को मुझ पर अहमियत दोगे? वो आम सी लड़की अब तुम्हें मुझसे ज्यादा अजीज हो गई है मूसा। सुनो, मेरा ये काम तुम्हें जरूर करना होगा, बस आखिरी दफा कर दो मूसा। अगर ये शादी नहीं होगी तो हथियार कैसे पहुंचाएंगे हम? इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं। बाहर सैकड़ों की तादाद में आदमी है, तो फिर मैं ही क्यों? अब तुम मुझसे मेरे आदमियों का हिसाब मांगोगे मूसा? पागल, लड़की को तुम्हारी तस्वीर भिजवा दी है और अब तुम शादी करने से इनकार कर रहे हो? सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा। अब चाहे तुमने किसी से प्यार किया हो या फिर कोई भी फजूल सा वादा किया हो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये ना हो उस लड़की को तुम्हारी आंखों के सामने मार डालूं। समझ गए तुम? अगर उस जामली ने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं जान ले लूंगी उसकी। मैं मुराद के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारूंगी, अम्मी जैसी नहीं होगी मेरी जिंदगी। घबराने की क्या जरूरत है, मैं हूँ।